नमस्कार, कैसे हैं आप सब? किसी ने मुझसे कहा था कि यार तुम हमसे तो पूछ लेते हो कैसे हैं, लेकिन तुम खुद कभी क्यों नहीं बताते? अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ और बातें बताओ। तो देखो यार, मैंने कहीं पढ़ा था कि माय पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन हु आई एम एंड माय एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। मतलब अलग ही बकचोदी है। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कैंपस एरिया के ऊपर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्थ कैंपस जो है वो एक छोटी सी कॉलोनी की तरह है। इस तरफ मेहता जी का घर है तो KMC है, उस तरफ शर्मा जी का घर है तो हंसराज है, दूसरी तरफ सेंट स्टीफन है, हिंदू है, तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो सबसे पहले जब आप एडमिशन के लिए यहाँ पर कैंपस के अंदर आएंगे तो आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर आना होगा। मतलब यूनिवर्सिटी नाम नहीं है, हिंदी में ही नाम है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो आपको वहाँ पर आना होगा, और वहाँ पर आपको मिलेंगे गाली गलौज करने वाले कुछ ई रिक्शा वाले। और देखिए, आपको इस तरह से रिएक्ट करना होगा कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, वरना आपको वो लोग लूट लेंगे। 10 रुपये की जगह 50 मांगेंगे, 1000 मांगेंगे, लाख, जितना मुँह से निकलेगा वो मांग लेंगे। तो आप उनके पास जाना और इस तरह से रिएक्ट करना कि हाँ, कमला नगर जाना है मैकडी के पास। अगर आपने ये पूछा कि भाई साहब कमला नगर के कितने रुपए लोगे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो आपको बहुत सोच समझ कर उनके साथ कन्वर्सेशन करनी होगी। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप सेंट स्टीफन कॉलेज देख सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स का सपना होता है सेंट स्टीफन में पढ़ने का, पूरे इंडिया का नंबर वन कॉलेज है। और मेरे बिल्कुल अपोजिट में हिंदू कॉलेज है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल टक्कर में बनाया गया था। हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज आपस में काफ़ी झगड़े चल रहे थे इन कॉलेजेस के। कैमरामैन कैमरा पीछे हाँ बिल्कुल ठीक। और अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो बिल्कुल रामजस कॉलेज है बिल्कुल सामने। बार बार कैमरा उधर नहीं करना होता। उधर रामजस कॉलेज है, फिर हंसराज भी है, तो चलो यार चलते हैं उस तरफ। मैं फिलहाल SRCC के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। वो देखिए, SRCC जो है वो सपना होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लेकिन इसकी कट ऑफ भी उतनी है, 98-99, हर इंसान का एडमिशन नहीं हो सकता। और SRCC के बिल्कुल ठीक साइड में है मिरांडा कॉलेज, और जो कि मिरांडा कॉलेज है वो पूरे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट बन चुका है आज के टाइम पे, और सिर्फ DU का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का। अब कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि यार नंबर वन तो IIT है। भाई IIT किसी और चीज़ के लिए है, BTech के लिए है, मिरांडा BSc BA के लिए है, तो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले है सेंट स्टीफन कॉलेज, और देखिए जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वो खुद को DU का हिस्सा नहीं मानता, और जो बाकी DU के कॉलेजेस हैं उनको तो मतलब बच्चा समझता है बिल्कुल, जैसे एक पढ़ी लिखी बहू गवारों के घर में आ गई हो। और गालिब का एक शेर है कि बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो सेंट स्टीफन का बिल्कुल ठीक ऐसा ही एटीट्यूड रहता है। और दूसरी तरफ देखिए हिंदू कॉलेज है, हिंदू भी टॉप का कॉलेज है, तो हिंदू ने अपनी मान मर्यादाएं प्रतिष्ठाएं बिल्कुल संभाल कर रखी है। वो हर 14 फरवरी को पेड़ पर कोंडोम लटकाकर पूजा करते हैं, और उन्होंने खुद की अपनी एक प्रार्थना ईजाद की है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और वो प्रार्थना ऐसी है कि ओम जय वी ट्री महाराज, प्रभु जय वी ट्री महाराज, तुम हो हिंदू के सेंटर कॉलेज की पहचान, ओम जय वी ट्री महाराज। आज है वैलेंटाइन का पर्व, प्यार का ये त्योहार, जो है मिंगल वे खुश, सिंगल सब है उदास, ओम जय वी ट्री महाराज। बोलो जय वी ट्री महाराज की। तो मतलब उनकी अलग परंपराएं हैं। एक तरफ है मिरांडा कॉलेज जिसको अभी अभी NIRF के अंदर रैंक 1 मिली है, उनकी लड़कियों का अलग ही एटीट्यूड होता है। रास्ते में जा रहे हैं, देख लिया हंसराज का लड़का सामने जा रहा है, अबे ओ रैंक 9 साइडो रास्ता दे, रैंक 1 आ रहा है भाई। तो इस तरह का उनका एटीट्यूड रहता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।